क्या तेजस्वी और करण ने सच में कर लिए एंगेजमेंट? क्या सच में इन दोनों का रोका हो गया है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त विदांगी करण इक्वल। मेरे पास प्रूफ है इन दोनों के एंगेजमेंट के खबरों के ऊपर, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूं। लेकिन इससे पहले ऑब्वियसली जैसे हमें पता है काफ़ी अच्छे से कि तेजा और करण दोनों की फैमिलीज और दोनों तेजा के घर पे थे, पेरेंट्स के एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था। और इसी बीच जो है सिर के ऊपर जब फोरहेड पर जब टीका दिखा करण के जब वो एग्जिट कर रहे थे, तब से उन दोनों के रोके के रूमर्स आ रहे हैं। उन दोनों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ फैंस का मानना है कि इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है और ये दोनों जो है इस बात को छुपा रहे हैं। अब इसी बीच कल तेजस्वी और सिम्बा के लिए करण ने ये वाली स्टोरी अपलोड की, ठीक है, जहाँ पे वो कह रहे थे कि आप पहले टीवी पे नागिन देखो, उसके बाद ऑनलाइन देखो, ताकि हमें टीवी पे नंबर वन शो जो है नागिन को बनाना है। अब यहाँ पे अगर आप करण की उंगली पे अगर हम देखें तो ये उनका राइट हैंड है, ये वाले उंगली में उन्होंने रिंग पहनी है और ये वाले भी उंगली में यहाँ पे ये रिंग दिखाई दे रही है। राइट हैंड के तीसरी उंगली में जो लड़कों के लिए राइट हैंड होता है एंगेजमेंट होती है, तो इस उंगली में रिंग पहनते हैं, और लड़कियों की एंगेजमेंट होती है तब इस वाले उंगली में, लेफ्ट वाले उंगली में रिंग पहनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी लोग कह रहे हैं, काफ़ी ये पिक्चर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये कहते हुए कि करण और तेजा की एंगेजमेंट हुई है और करण ने एक हिंट ड्रॉप करी है उनके इस फिंगर को दिखाते हुए कि उनके फिंगर में रिंग है, रिंग वाले फिंगर में ही इज वेयरिंग एन एंगेजमेंट रिंग। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या ये सच है या नहीं, तो चलिए कुछ सर्च करते हैं। इसलिए मैंने करण के पिक्चर्स को चेकआउट किया, करण के कई सारे वीडियोस को चेक किया, जिनमें मुझे एक ये वाला पिक्चर जो है 20 जनवरी का करण का मिला, जहाँ पे वो राखी सावंत को बिग बॉस के घर के अंदर हग कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे जूम करें तो उनके यहाँ पे राइट हैंड में हमें दो दो रिंग्स दिखाई दे रही, एक ये रिंग है और उसके नीचे ये वाली रिंग है, ये उनका राइट हैंड है, और दूसरे लेफ्ट हैंड में इस हाथ में उनकी उंगली है, रिंग है ये वाली उंगली में, ठीक है, लेफ्ट वाला हैंड है, ठीक है, और ये राइट वाला हैंड है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, और देखते हैं शायद कुछ और मिले, सेम रिंग है नहीं है पता चले। फिर मैंने उनका एक रील ढूंढा 25 फरवरी का, जो उन्होंने कोलैबोरेशन के लिए एक रील बनाया था, जहाँ पे वो विलन बनने की बात कर रहे थे, आप हर एक के कहानी में, हर एक के स्टोरी में आप हीरो नहीं विलन हो सकते हो। तो ये वाला अगर आपने रील अच्छे से देखा तो आपको पता चलेगा कि ये वाला रील जो 25 फरवरी का, यहाँ पे भी करण की उंगली में ये वाली जो उंगली में जो रिंग है इधर मौजूद है, 25 फरवरी की है। उसके बाद एक 12 मार्च पे उनका गोवा का उन्होंने जब ब्लॉग डाला है, उस टाइम पे उनके फिंगर पे ये वाली रिंग ये वाले हाथ पे दिखाई दे रही है, अगेन इट्स अ राइट हैंड पे उनकी ये वाली रिंग दिखाई दे रही है। और अगर आप अच्छे से देखो इस पिक्चर को, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो रिंग वहाँ पे दिखाई दे रही है सेम रिंग उन्होंने कल के स्टोरी में डाली थी, ये वाली। तो अगर तेजा और करण की सच में एंगेजमेंट हो चुकी होती, या फिर करण हमें हिंट दे रहे होते, तो उनके हाथ में ये जो अंगूठी है ये वाले रिंग फिंगर में, राइट वाले हैंड में लड़के पहनते हैं, लेफ्ट में लड़कियां पहनती हैं, तो अगर ऐसा होता तो करण के फिंगर में हमें जनवरी से या फिर नवंबर दिसंबर जब हम बिग बॉस देख रहे थे तब से ये उंगली में फिंगर नहीं होता, तब से उनका और तेजा का पहले कुछ था नहीं ना, बाद में बना, लेकिन वो रिंग हमेशा से ही करण पहनते हुए आ रहे हैं। सो करण और तेजा की कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है, अफवाह है, झूठी खबर है, रियल तो कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो तेजा के हाथ में भी हमें रिंग दिख जाती, ठीक है, लेकिन उसके रिंग फिंगर में हमें कोई भी रिंग नहीं दिखाई दे रही। एक तो इन दोनों की सच में एंगेजमेंट नहीं हुई है और ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमने जो असली रियल थिंग है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, 0.01% चांस हो सकता है कि शायद इनकी एंगेजमेंट होगी हो, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं, और इसीलिए दोनों ने अंगूठियाँ नहीं पहनी, ये भी हो सकता है। या फिर सच में बस एंगेजमेंट वगैरह कुछ नहीं हुई है, इट्स जस्ट पीपल कमिंग अप विथ स्टोरीज एंड कमिंग अप विथ रूमर्स। इसके ऊपर आपका क्या है रिएक्शन, क्या कुछ कहना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।